हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्नीशियन गोपाल जी। दोस्तों आज हमारे सामने जो देख पा रहे हैं आप तूफान कंपनी का फराटा फ़ैन है। अभी ये पूरी तरह से नया है दोस्तों, लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ ग्राहक को लिए, किंतु यह बार बार जाम हो जा रहा है। दोस्तों क्या समस्या है दोस्तों, देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जब रिपेयरिंग होने के लिए फ़ैन आता है तो हम सीरीज में उसे चेक करते हैं। ये हमारा रहा सीरीज बोर्ड, देख पा रहे हैं आप बल्ब ग्लो कर रहा है। दोस्तों इसके बाद दूसरे स्टेप में हम मेन लाइन में लगा रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पीछे का ढक्कन रिमूव कर लेते हैं, इसके बाद इसका कनेक्शन छटकाते हैं। दोस्तों कनेक्शन छटकाते वक्त आपको ध्यान देना है कनेक्शन कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है। जो आप ये रेड कलर का वायर देख पा रहे हैं दोस्तों स्विच पर लगा हुआ है, ये हमारा कॉमन है। पीले वाला वायर हमारा रनिंग है और काला वाला स्टार्टिंग है, तो हमें देख के खोल लेना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों खोल लेने के बाद कनेक्शन को यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो बना लें या तो फोटो खींच लें। दोस्तों दूसरे स्टेप में देख पा रहे हैं आप सवा तीन का कंडेंसर लगा हुआ है। दूसरे स्टेप में दोस्तों हम तीनों जो हमारे रड लगे हुए हैं स्टार नट बोल्ट उसे खोल लेना है। खोल लेने के बाद दोस्तों हम आगे की जाली को खोलेंगे। जाली को खोलने के लिए इस तरह से 3 स्क्रू बॉडी पर दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। अमुक में चूड़ी वाला नट होता है, मतलब पाने वाला, मुख में दूसरा होता है। खोल लेने के बाद जाली निकाल लेना है। जाली निकालेंगे कैसे दोस्तों, जब हम पंखी को खोलेंगे तभी जाली निकलेगा, तो इस प्रकार से खोल के आप निकाल लें। निकालने के बाद दोस्तों पीछे का आपको तीनों स्टड खोल ही चुके हैं, तभी देख पा रहे हैं नहीं निकल रहा है, टाइट है। तो हम लकड़ी का लगेंगे गुटका, लकड़ी की इस गुटके से आगे से साफ्टे पे प्रहार करेंगे। आपको हथौड़ी से चोट नहीं लगाना है, इन बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आप हथौड़ी से चोट दे देंगे तो ऊपर कट जाएगा धुरा, साफ्टे में हमारा जगह बढ़ जाएगा तो हमारा पंखी नहीं जाएगा, फिर हमें घसना पड़ेगा। दोस्तों इसमें समस्या यह है कि बैरिंग में समस्या है, साफ्ट भी सही है, बैरिंग भी सही है, बैरिंग में आवाज़ नहीं है किंतु बैरिंग में प्ले है। प्ले होने के कारण दोस्तों वो फंस रहा है बार बार। जो आप आगे का वायरिंग ये देख पा रहे हैं इसी बैरिंग में प्ले है। उम्मीद है मुझे कि यदि मैं ये बैरिंग बदल देता हूँ तो हमारी फैन पूरी तरह से सही हो जाएगा। बैरिंग बदलने के लिए इस तरह से आपको एक पूलर की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों निकालने के लिए। ये बड़ी वाली पूलर है, इससे छोटी भी पूलर आती है दोस्तों। इस पूलर से आप शाफ्ट में जितना लंबा है इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, जैसे एग्जास्ट वगैरह का भी आप बैरिंग निकाल सकते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों ये रहा हमारा 6000 बैरिंग, बैरिंग को निकाल लेना है। बैरिंग को निकाल लेने के बाद देख पा रहे हैं सेम बैरिंग ये भी है, अभी ऊपर से आपको डाल देना है। ये जो आप रिंग डाला गया है देख पा रहे हैं, रिंग इसलिए हमें डाला गया है दोस्तों कि एडजस्टिंग करने के लिए, क्योंकि पीछे से आप कटा हुआ है। अभी आसानी से बैठ तो गया हाथ से, किंतु इतना आराम से बैठना नहीं चाहिए, इसलिए हम इस पर थोड़ा फेविक्विक लगा के जाम कर देते हैं। चलिए दोस्तों अभी फिटिंग कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे हम फिटिंग करते हैं। फिटिंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। कई बार होता क्या है कि आप फिटिंग में थोड़ी सी कमी कर देते हैं, ग्राहक ले जाता है 2-4 दिन चलता है, फिर वो खचखच खचखच करने लगता है। इसलिए आप फिटिंग करते वक्त बारीकी से फिटिंग करें। सबसे पहले पीछे से हमें कवर को डाल देना है, अभी आगे से टॉप बैठा देना है, अभी तीनों स्टड को जाम कर देना है यानी टाइट कर लेना दोस्तों कुछ इस प्रकार से। आपको पीछे का ढक्कन बैठाते वक्त ये बात का और ध्यान रखना है, कवर हमारा सीधा बैठे, इस तरह से आप पीछे का कवर बैठाएँ ताकि ऊपर कसने के लिए जो स्क्रू पाता है एक ऊपर निकले। जो लेबल लगा रहता है दोस्तों फैन में पीछे, वो ऊपर आना चाहिए। अच्छे से आप ठोक पीट के लकड़ी के गुटके से अच्छे से सेट कर लें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। दोस्तों फिट करने लेने के बाद जब फ्री हो जाए तो आप इस तरह से स्टैंड पर कस लेना है। कसने के बाद दोस्तों अभी हम करने वाले हैं कनेक्शन, आगे आप देख पाएंगे कनेक्शन। ये जो हमारा रेड कलर का है दोस्तों ये हमारा है कॉमन, और ये जो आप पीला और काला देख पा रहे हैं ये रनिंग और स्टार्टिंग है। तो पीला और काले पे हम कंडेंसर के एक वायर दे देंगे। अभी हम सीरीज के माध्यम से एक रेड पर और एक पीले वाले पे कनेक्शन देंगे तो हमारा फैन चल पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों देख पा रहे हैं आप हमें पंखे को टाइट करना है, इसके बाद जाली को भी टाइट कर देना है कुछ इस प्रकार से। जाली को टाइट कर देने के बाद अभी हम देख पा रहे हैं कनेक्शन फिर से देंगे मेन में। देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, उम्मीद करता हूँ ग्राहक बोल रहे हैं कि अभी नए जैसा चल रहा है। दोस्तों इसमें बैरिंग सोचिए, बैरिंग में हल्का सा प्ले हो जाने के कारण वो फंस रहा था,
दोस्तों यदि ग्राहक इसे नहीं बनवाता है जल्दी तो समस्या क्या क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं। जो हमारे स्टेटर है जिसमें हमारा तार भरा गया है उसके जो खांचे हैं वो भाग जाते हैं, बॉडी अर्थ हो जाता है, कट जाता है, स्टेटस ख़राब हो जाता है। दोस्तों चलिए कनेक्शन करते हैं। जो रेड कलर का वायर है वो हमारा स्विच पर डायरेक्ट जाएगा क्योंकि हमारा वो कॉमन है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा पीला और काला है कंडेंसर वाला वायर, इस पर हम एक सप्लाई देंगे रेड पे जो स्विच पे, दूसरा येलो यानी पीला वाले पे। इसके बाद दोस्तों अच्छे से आपको टेपिंग कर लेना है। टेपिंग कर लेने के बाद अभी आप पुनः मैं एक बार आपको चला के दिखाऊंगा। और दोस्तों आगे वीडियो पूरा लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ज़बरदस्ती ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जब फैन रिपेयरिंग करके देते हैं ग्राहक को तो कैसे देते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कई बार बाइंडिंग करते वक्त या धक्का लग जाने के कारण या किसी कारणवश हमारे फैन में सप्लाई देने पर बिजली उतरती है। दोस्तों जब भी आप देते वक्त आपको सीरीज के माध्यम से या तो हाई वोल्टेज मशीन यदि आपके पास है उसके सहायता से आप बॉडी अर्थ जरूर चेक कर लें। फिट कर लेने के बाद आपको तीनों स्क्रू को टाइट कर लेना है इस तरह से बॉडी को। दोस्तों अभी हम इसको चला के आपको दिखाएंगे कैसा चल रहा है। दोस्तों चलिए कनेक्शन करते हैं ये मेन में, देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ये रहा हमारा सीरीज के माध्यम से हम चेक कर रहे हैं दोस्तों बॉडी अर्थ। एक प्लग पे लगाएंगे और एक बॉडी पे, देख पा रहे हैं बॉडी अर्थ नहीं है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।